समाजवादी पार्टी के नाम से मिलते जुलते समाजवादी भारत नए दल का गठन कर बैनर पोस्टर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और संरक्षक मुलायम सिंह यादव की फोटो व चुनाव चिन्ह साइकिल का दुरुपयोग करने वाले बांदा के 3 व्यक्तियों के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पता चला है कि बांदा के तिंदवारी निवासी युद्धवीर सिंह, संजीव राजपूत और हथौरा निवासी सैयद अमीरुद्दीन के खिलाफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सचिव गजेंद्र सिंह ने लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी हजरतगंज अभय कुमार मिश्रा से पूछे जाने पर इस घटना की पुष्टि की है। वहीं समाजवादी पार्टी यूजन सभा के जिलाध्यक्ष निर्भय सिंह मोंटी ने बताया कि तीनों युवकों का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तीनों न कभी समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे हैं। इसी तरह सपा के राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद ने इस बारे में पूछे जाने पर अनभिज्ञता जताई है। इस बारे में बांदा सपा जिलाध्यक्ष शमीम बानवी से पूछे जाने पर स्वीकार किया गया कि आरोपी युवक पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन इन लोगों ने कैसे पार्टी बनाई, क्या उद्देश्य है, इस बात की जानकारी लखनऊ में हो रही जांच के बाद पता चलेगा। आज के अमर उजाला के पेपर में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एक खबर छपी है और ये जो मामला है ये फर्जी समाजवादी दल समाजवादी भारत के नाम से एक बनाया गया है। इस पे हथौड़ा गाँव के अमरुद्दीन को जिलाध्यक्ष और युद्धवीर सिंह करके हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष और संजीव राजपूत करके वो प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को बता रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुकदमा लिखाया गया है। अब हम लोग भी एक्टिव हुए हैं और इसकी जांच चल रही है। जहां तक अभी तक मेरी जानकारी में है कि ये सब फर्जी चल रहा है, ये लोग धन उगाही भी कर रहे हैं, ये भी लोकल के लोगों से पता चला है। अब शीर्ष नेतृत्व के द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे हम उस पर काम करेंगे। ना तो ये लोग पार्टी के आज तक किसी काम पार्टी के किसी काम में संगठन में भी नहीं रहे हैं, ये सब फर्जी चल रहा है। अब शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है, जो भी दिशा निर्देश होगा इनके खिलाफ अगर कहा जाएगा तो लोकल में भी हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे।